नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बजरंग में। और मैं आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। आपको जैसा कि पता है कि तीन फरवरी को आपका लेब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, और आप इसकी आंसर की देखना चाहें तो मैंने अपने वीडियो पर कम्प्लीट 150 क्वेश्चन की आंसर की अपलोड कर दी है, तो आप उसे अपने चैनल के ऊपर देख सकते हो। और अगर देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस आंसर की का लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से भी उस आंसर की को आप कम्प्लीट है वो देख सकोगे और अपना मार्क्स मिला सकोगे। अभी तक नहीं मिलाया और मिला लिया है मार्क्स का आपने तो अच्छी बात है, इस कट ऑफ को देख सकते हो। इसके अकॉर्डिंग अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखते हैं अपनी कट ऑफ की ओर चलते हैं, लेकिन कट ऑफ की चलने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। आप इस चैनल पे अगर गलती से भी आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन जरूर दबा लें। इससे इस चैनल पे आपको काफ़ी बहुत ही लेटेस्ट वीडियो मिलने वाली है। एक तो सबसे बड़ा फायदा है कि सुबह सुबह जो भी स्टूडेंट होता है उसको शैक्षणिक समाचार पढ़ने की ज़रूरत होती है, तो सुबह सुबह करीबन 7:30 बजे से पहले आपको शैक्षणिक समाचार उपलब्ध करवा दिए जाते हैं, करंट जीके उपलब्ध करवा दिया जाता है, और राजस्थान में कोई भी वैकेंसी हो उसका करंट जीके अलग से उपलब्ध जाता है। और एक बात और चलते हैं इससे चलने बता देता हूँ एक बात और, डेली यहाँ पर राजस्थान जीके का शाम को 8 बजे ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसको देखकर भी आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि आपके टॉपिक कितना तैयार है। अब हम चलते हैं आपकी कट ऑफ के ऊपर और की चलते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। आइए अपने चलते हैं पहले लेब असिस्टेंट की जो कट ऑफ है उसकी बात कर लेते हैं। अपने लेब असिस्टेंट की कट ऑफ है उसमें आपको पता है सभी को कि पोस्ट 1200 है, ये जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उन सभी को पता है। लेकिन एक बात शायद और पता कुछ को होगी कुछ को नहीं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे गए थे 4,02,448 फॉर्म भरे गए थे, ये भी सभी को पता होगा। और बात करें अटेंडेंस की बात करें तो 2,89,505 बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया है, इतने ही बच्चे एग्ज़ाम में बैठ पाए हैं, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं बैठ पाए। आप देख सकते हो इसका जो परसेंटेज रहता है वो 69.45% बच्चे हैं वो एग्ज़ाम में बैठे हैं, इसका मतलब 30% बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया। तो 2016 की मेरिट को कट ऑफ को लेकर ना चलें, क्योंकि 2016 में करीबन 38% के करीब कट ऑफ रही थी, वो कट ऑफ 2 साल पहले की है, आज की कट ऑफ में बहुत अंतर आ गया है, तो बहुत ज़्यादा 60% से तो नीचे कट ऑफ जनरल की आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आइए अपने चलते हैं आप जनरल की कट ऑफ की पहले बात कर लेते हैं। जनरल की मेल कैंडिडेट के अंदर आपको 173 से 175 के बीच देखने को मिल जाएगी, 173 से अगर अब वो आपके नंबर हो रहे हैं तो इसका मतलब श्योर मान सकते हो आपकी सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल मान सकते हो। एक बात और बता देता हूँ मैं के देखने में, जितने मार्क्स आपके बन रहे हैं उतने सारे मार्क्स जितने आपने कलेक्ट कर लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में आपके मार्क्स जरूर लिखे। अगर कलेक्ट नहीं किए तो मैंने आंसर की डाल दी, उसमें आपको अपनी आंसर की मिला के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस वहां से देख के उसके बाद में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वीडियो को दोबारा देख के उसके वो जितने मार्क्स आपके बन रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ये सबसे। और वीडियो को लाइक अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। अब फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की कट ऑफ है वो 166 से 108 से बहुत सारा काफ़ी सर्वे काफ़ी स्टूडेंटों से मिलने के बाद में ये कट ऑफ मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैंने बता दी। एक कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग भी आएगी, लेकिन जिस वो कट ऑफ जब आएगी जब आप कॉमेंट में अपने जी मार्क्स लिखोगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि सभी को मैं परिचित भी करवाऊँगा अपने ऊपर चैनल पर जो भी कॉमेंट्स करेंगे उनके लिए। तो आइए आपकी आपने देख ली होगी जनरल की कट ऑफ मेल की 173 से 175 और फीमेल की 168 आपने देखी है। अब हम चलते हैं एससी कट ऑफ की, और एससी कट ऑफ की बात करें तो एससी कट ऑफ में मेल की है वो 142 से 144 के बीच में आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है। अगर 142 से अबव आप ऊपर जा रहे हो तो इसका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, 143 भी एकदम आएगा, सेफ स्कोर 142 तक, अगर 2-4 नंबर नीचे भी है तो आपके चांस में और दौड़ में आसानी की नहीं हो सका। और ये फाइनल वैसे कट ऑफ माने, और फीमेल की बात करें तो बात 130 से 131 है वो कट ऑफ रहने वाली एससी कैटेगरी की बात करने वाले, तो ये कट ऑफ इससे अगर 130 बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एसटी की बात कर रहे हैं अभी, एसटी कैटेगरी की अपने बात कर रहे हैं कि एसटी कैटेगरी में क्या रहने वाली, एसटी कैटेगरी में की बात करें तो एसटी में मेल की वो आप 127 से 129 है वो देख सकते हो आपके मार्क्स, और फीमेल की वो 128 से 120 नंबर, इन दो जो नीचे का स्कोर 127 और 118 अगर इससे ऊपर आपके ऊपर मार्क्स बन रहे हैं तो 100% आपका वो सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। हम बात करते हैं ओबीसी कट ऑफ की बात करते हैं तो ओबीसी की बात करें तो मेल की वो 163 से 165 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा, और फीमेल की वो 157 से 157 कट ऑफ, ये कट ऑफ आपके बन रही है तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। अब प्रयोगशाला सहायक की भर्ती को एग्जाम में वो फाइट कर लेंगे, ये बात क्लियर है। और एक बात और बताता हूँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है लाइक करें, और अपने जितने भी मार्क्स बन रहे हैं वो मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिख के जाएं, अन्यथा ऐसे मत जाएं। चाहे जैसे भी आपको वीडियो को लाइक करना है डिसलाइक करना वो आपकी इच्छा है, चाहे करें कॉमेंट आपको अच्छा करना नहीं करना वो करें, और आपके अकॉर्डिंग से ये कट ऑफ आपको सही लगी तो ये ज़रूर बताएं कि कट ऑफ सही है या गलत है, ये कॉमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।